गोवा में एक महिला ने अपने 4 साल के बच्चे की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि आरोपी महिला सूचना सेठ से अलग हुए पति ने गोवा पुलिस को बताया कि उनको अपने बेटे से मिलने की अनुमति नहीं दी गई थी। वेंकटरमन इस मामले में जांच के तहत अपना बयान दर्ज कराने के लिए दोपहर में बेंगलुरु से कैलंगुट पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि वो पिछले 5 रविवार से अपने बेटे से नहीं मिले थे। एक अधिकारी ने बताया कि सूचना के पति वेंकटरमन का इस मामले में बयान दर्ज किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि रमन ने पुलिस को बताया कि उसके और सूचना सेठ के बीच बेंगलुरु की एक पारिवारिक अदालत में तलाक की कार्यवाही चल रही है। रमन ने पूछताछ के दौरान बताया कि अदालत ने उसे अपने बेटे से मुलाकात का अधिकार दिया था, लेकिन सूचना ने उनसे पिछले 5 रविवार से मिलने की अनुमति नहीं दी। रमन ने दावा किया कि जब बेटे की हत्या हुई थी उस दौरान वो इंडोनेशिया के जकार्ता में थे। मालूम हो कि इससे पहले सूचना सेठ के बैग से एक नोट भी बरामद हुआ था। गोवा पुलिस के एक अधिकारी ने शुक्रवार को कहा था कि सूचना सेठ के बैग से बरामद आईलाइनर से लिखा एक नोट मिला है, जिससे पता चला है कि वो अपने 4 साल के बेटे की कस्टडी को लेकर परेशान थी, जिसकी वजह से उसने मासूम की हत्या कर दी।